बरेली के तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ओम प्रकाश राजभर को क्यों लिखी चिट्ठी। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूटने के बाद यूपी की राजनीति में एक नई हलचल तेज। तो सवाल ये कि समाजवादी पार्टी से 50% मुसलमान दूर जा चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान को भी लिया लपेटे में, अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलने की राजनीति की सलाह दी। पिछले कई दिनों से यूपी की राजनीति में गर्म हवा चलने लगी है। तमाम वादों और गठबंधन के साथ हुए इरादों को आज एक बार फिर धरातल पर पलटते हुए देखा जा रहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन टूटने के बाद यूपी की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के नेता सपा अखिलेश यादव को लेकर हमलावर हो गए हैं। दूसरी ओर अखिलेश के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कवायद से जुड़ी सियासी हलचल बरेली में दिखी है, जहाँ उलमा इस्लाम ने ओम प्रकाश राजभर को एक ऐसी सलाह दी है जो जाहिर तौर पर अखिलेश को चिंतित करने वाली है। दरअसल बरेली के तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने ओम प्रकाश राजभर को एक चिट्ठी लिखी है। यूपी की सियासी गलियारों में इस चिट्ठी को खूब चर्चा हो रही है। इस चिट्ठी में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने राजभर को सलाह दी है कि गठबंधन टूटने के बाद अब वह सपा के खिलाफ आंदोलन चलाएं। मौलाना ने दावा किया है कि यूपी का 50% मुसलमान अखिलेश यादव से दूर जा चुका है। लोकसभा चुनाव आते आते बाकी मुस्लिमों का सपा से मोह भंग हो जाएगा। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मैंने ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा है और मशवरा दिया है कि उन्होंने सपा से मिलकर यूपी का चुनाव लड़ा था, जिसमें अखिलेश और उन्हें दोनों को नाकामी मिली है। अब जब उन्होंने सपा से खुद को अलग कर लिया है तो अच्छा कदम यह है कि उनको पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। मैंने मशवरा दिया है कि सपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाएं, सिपाल तौकीर रजा जैसे कद्दावर नेताओं को शामिल कर बड़ा आंदोलन खड़ा करें। तंजीम उलमा इस्लाम उनका समर्थन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव से 50% मुस्लिम हट चुका है, लोकसभा चुनाव आते आते बाकी का 50% मुसलमान भी हट जाएगा। मौलाना की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को एक चिट्ठी लिखी गई। मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान को भी लपेटे में ले लिया। अपनी चिट्ठी में मौलाना ने राजभर की तरफ से अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर राजनीति करने की सलाह दी, वहीं जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि राजभर ने यह बात अखिलेश के हित में कही थी, लेकिन इसे तूल देकर उनकी मुलाफत की गई और इसमें आजम खान आगे रहे। मौलाना ने आगे लिखा है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटें बहुमूल्य हैं और आजम खान ने पुराने अंदाज में मुस्लिम वोटरों से वोट की भीख भी मांगी, लेकिन फिर भी सपा को हार का सामना करना पड़ा। मौलाना ने आरोप लगाया है कि आजम खान मुस्लिम कौम की बात करते हैं लेकिन परिवारवाद की बात करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पर उनका प्रभाव खत्म हो गया है। दरअसल मौलाना की सलाह ने अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तो अखिलेश यादव वैसे ही सियासी चुनौतियों में घिरे नजर आ रहे हैं, ऊपर से मौलाना शहाबुद्दीन ने राजभर को ऐसी सलाह दे दी है कि अखिलेश की सियासी टेंशनें और बढ़ गई हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आखिर में राजभर आपको बताना चाहता हूँ कि आप श्री सिपाल मौलाना तौकीर रजा खान और दूसरे लीडरन मिलकर एक मोर्चा बनाएं और सपा के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में मुहिम चलाएं, मुसलमानों की मिसाइल भी उठाएं, मुसलमान आपके साथ खड़ा नजर आएगा। तंजीम उलमाए इस्लाम आपका खुलकर समर्थन करती है।